गुप्तचर विभाग के स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल सेल की टीम ने ज्वालामुखी नादौन रोड में मजीम चौक पर तलाशी के दौरान एक युवक से 366 ग्राम चरस बरामद की है। चरस के साथ ही उक्त टीम ने युवक के पास से 7,430 रुपए की नकदी भी कब्जे में ली है। कार्रवाई अमल में लाने के बाद उक्त टीम युवक को पकड़कर ज्वालाजी थाने में ले आई। अब इसके खिलाफ यहाँ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल सेल की टीम ने ज्वालामुखी नादौन रोड में मजीन चौक पर तलाशी के दौरान एक युवक से 366 ग्राम चरस बरामद की है। चरस के साथ ही उक्त टीम ने युवक के पास से 7,430 रुपए की नकदी भी कब्जे में ली है। कार्रवाई अमल में लाने के बाद उक्त टीम युवक को पकड़कर ज्वालाजी थाने में ले गई व इसके खिलाफ यहां मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है। इस संबंध में पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर युवक को हिरासत में लिया है। साथ ही वीरवार को उसे कोर्ट में भी पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड पर भेज दिया गया है। DSP ज्वालामुखी तिलक राज ने इसकी पुष्टि की। सुबह थाने में इन्फॉर्मेशन आई थी कि किशोरी लाल नाम का लड़का जो सुकनार मोड़ भर्ती कराने वाला दासियों कुओं में तैरी हुई, तो मौका पर विजिट किया गया। उसके गवाहों के बयान लिखे गए, उसमें 174 की कार्रवाई की जा रही है। जाँच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।